जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकॉन, साइकॉन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है साइकॉन सिलिएटम। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइकॉन सिलिएटम। अब इसका जगत देखते हैं। सबसे पहले किंगडम, इसका जगत होता है एनिमलिया, एनिमलिया जंतु जगत। और इसके बाद में ये देख लेते हैं इसका फाइलम संघ। संघ इसका क्या होता है? पोरीफेरा, पोरीफेरा। फिर इसके बाद में देख लेते हैं क्लास वर्ग। इसका वर्ग होता है केलकेरिया, केलकेरिया। फिर इसके बाद में देख लेते हैं इसका ऑर्डर गण। इसका गण क्या होता है? इसका गण होता है ल्यूको, ल्यूको सोले निडा, ल्यूको सोले निडा, ल्यूको सोले निडा। इसके बाद में इसका जेनस देख लेते हैं, वंश। इसका जेनस क्या होता है? साइकॉन, साइकॉन। इसके बाद में स्पीसीज, जाति। इसकी जात क्या होती है? सिलिएटम। इसकी जात क्या होती है? सिलिएटम। अब इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से होता है इसका डायग्राम। और ऊपर की ओर ये जो होते हैं ये इसके ऑस्क्यूलर होते हैं, ऑस्क्यूलर फ्रिंज। ये होते हैं इसके ऑस्क्यूलर फ्रिंज। ये इसके शरीर के ऊपर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है। इसके शरीर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ऑस्क्यूलर फ्रिंज, ऑस्क्यूलर फ्रिंज। और इसमें एक ये छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है।
इन्हें हम कहते हैं ये जो छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है इन्हें हम लोग कहते हैं डर्मल डर्मल ओस्टिया। और इसके बाहरी सतह पर कुछ ऐसे सीलिया पाई जाती है इसीलिए इसे सीलिएटा कहा जाता है। ऐसे ये संरचना पाई जाती है इसे हम कह बोल सकते हैं ये जो बाहरी संरचना दिख रही है इसे हम कह सकते हैं स्पिक्यूल्स स्पिक्यूल्स। इसकी ये वाली जो परत होती है ये बाहरी परत होती है इसकी ये CaCO3 की बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इसका बेस होता है आधार और ये बड है इसका कलिका। और ये ऐसे इस पे इसकी संरचना बनी इसको बोलते हैं सबस्ट्रेक्टम सबस्ट्रेक्टम। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर एक तो ये यह समुद्री या कहाँ पाया जाता है यह यह समुद्री छिछले जल में पाया जाता है यह समुद्री छिछले जल में पाया जाता है पाया जाता है। दूसरा नंबर यह एक समुद्री स्पंज है यह एक समुद्री स्पंज है। इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं यह चट्टानों तथा मोलस्का यह चट्टानों तथा मोलस्का प्राणियों के ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं चिपके हुए पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों तथा मोलस्का वर्ग के प्राणियों के कवचों के ऊपर जैसे घोंघे के ऊपर शिप के ऊपर अगला नंबर देख लेते हैं ये जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये मुकुलन द्वारा जनसंख्या बढ़ाते हैं ये मुकुलन द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं ये मुकुलन द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं।